गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद दिल्ली को जिस तरीके से गिराया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आप सभी तस्वीरों में देख सकते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और पंजाब से संत महापुरुष पहुंचे हुए थे और उन्होंने विरोध भी दर्ज किया, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बुलडोज़र चला के जिस फ्लैक्स बैनर के ऊपर गुरु रविदास जी की तस्वीर लगी हुई है उसे कितनी दरिद्रता से तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर ये घटिया मानसिकता दर्शाती है सुप्रीम कोर्ट की भी, दिल्ली सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी। और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि जिस तरीके से इस मंदिर को पूरे निर्दय तरीके से तोड़ा गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके रुझान बहुत गलत होंगे और भुगतने पड़ेंगे, जिसके अनुसार अभी पंजाब में धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, पंजाब के लोग सड़कों पर आ चुके हैं, बहुत सारे रोड जाम कर दिए गए हैं, लुधियाना से इधर जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है, जलंधर से होशियारपुर हाईवे जाम कर दिया गया है, जलंधर से दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया है, जलंधर से चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया गया। आप देख रहे हो तस्वीरों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर, बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है इन लोगों को काबू करने के लिए। पंजाब में गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग इस निंदनीय घटना का रोष प्रदर्शन करते हुए सड़क पर हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें सड़कों पर लगी हुई हैं। आप अगर पंजाब में एंटर करना चाहते हो आज की डेट में तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब को गुरु रविदास जी के समाज ने सील कर रखा है और बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल प्रशासन द्वारा तैनात किया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन यहाँ पे यह भी देखने की बात है कि गुरु रविदास जी को मानने वाला समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहा है। वो अपनी पावर नू वरतदे हुए राज्यसभा दे विच बिल लैके जा सकती है भी सारे समाज दीआं भावनावां नू ठेस पहुंची है। ये जिहड़ा कोर्ट का फैसला आया, इस फैसले ते पुर विचार किया जाए, ये सारे जिहड़ा समाज है वो सारा जिहड़ा एकजुट हैगा, उन्हां दीआं भावनावां दा घाण हो रहा, बहुत वड्डी जिहड़ी साडी आबादी हैगी आ, ये जिहड़ा सारा गरीब तबका जिहड़ा एक गुरु रैबरां नाल जुड़िया होया ये सड़क ते बैठा, ये चीज़ जिहड़ी आ सेंटर सरकार मौजूदा हुकमरान जिहड़ी उत्थे दिल्ली विच वी बैठी है उन्होंने ये चीज़ दिसना चाहिए, ये चीज़ दिखाउण लई सारे असीं इत्थे बैठे हाँ, जेकर समा मिलिया सीगा तां उहदे ते विचार किया जा सकता सी। बाकी फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े फैसले हैगे आ, साडी माणयोग अदालत हैगी, असीं उहदा सन्मान करदे, पर जिहड़े फैसले आ वो सारे इन बिन किहड़े लागू हो रहे हैं, जिहड़ा साडे दलितां ते एससी समाज दीआं भावनावां नूं जिहदा ठेस पहुंचदी है वो फैसले इन्नी जल्दी जिहड़े लागू किए जा रहे उहनां ते विचार किया जाए। अपने होर किन्ने भी फैसले तुहाडे सारिआं दे सामणे है वो लमकी जा रहे हैं, तो यह भी फैसला जिहड़ा आ इह थोड़ा जिहा रुक सकदा सी, विचार किया जा सकदा सी, जेकर सेंटर दी सरकार मौजूदा सरकार थोड़ा जिहा गरीब लोकां दा इक जिहड़ा श्री रविदास महाराज नामलेवा संगतां आ उहनां दीआं भावनावां नूं जे ध्यान रखदे तां इहनूं थोड़ा जिहा होल्ड किया जा सकदा सी, विचार किया जा सकदा सी, एक बिल बना के राज्यसभा च ले जाया जा सकता सी, कोई गल जिहड़ी कोई फैसला जिहड़ा है कोई वधिया हो सकता साडियां भावनावां नाल जिहड़ा वो हुंदा, सरकार जिहड़ी आ जगह अलॉट भी कर सकती सी क्योंकि पहलां तो जगह जिहड़ी उह दित्ती होई है, कोई इह तां मतलब एक धक्केशाही जिहड़ी हैगी आ, सारा समाज जिहड़ा आ उहदी घोर निंदा करदा आ। बहुजन समाज पार्टी हाई कमांड दे दिशा निर्देश अनुसार साडे जनसकत ठेकेदार भगवान दास जी, साडी पूरी टीम जिहड़ी है श्री रविदास महाराज नामलेवा संगतां दे नाल जिहड़ी है हमेशा जिहड़ी उहनां दे सन्मान दे विच रोस दे विच जिहड़ी है उहनां दे नाल शामिल हैगी है। बाकी जो संत महापुरशां दा जिहड़ा उपरों आदेश आऊगा, जेकर हुण हुकम सुनाया ठेकेदार भगवान दास जनसकत्तर उहनां नाल गल होई है, संत महापुरखां ने कहा भी 13 तरीक नूं जिहड़ा आ बंद दा जिहड़ा अणमिथे समें लई जिहड़ा ऐलान उहनां ने कीता है, असीं बहुजन समाज पार्टी हाई कमांड जिहड़ी है उहनां नाल डिस्कस करके असीं जिहड़ा उहनां दे समर्थन दे विच हैगे आ, अज्ज वी उहनां दे दिशा निर्देश अनुसार असीं समर्थन च है।